हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज से मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओर एंड मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स। यहां पे जितने इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स हैं ना, उसके ओर और मिनरल्स के बारे में आपको बताऊँगा, और आयरन के ओर के बारे में एक नया वीडियो बनाऊँगा एक अलग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की और पढ़ते हैं ओर और मिनरल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर और मिनरल्स है। तो बॉक्साइट है, ऑर्थोक्लास फेल्डस्पार है, मुस्कोवाइट है, उसके बाद कायोलिनाइट है, फिर ल्यूसाइट है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ओर है वो है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट मतलब बोल सकते हो एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, ओर और मिनरल में क्या क्या डिफरेंस होता है कि जो ओर होता है ना, वहाँ से हम मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, और मिनरल क्या होता है, मिनरल मतलब वो रॉक या वो है ना, वो पदार्थ जिसमें वो मेटल पाया जाता है। जैसे ये सब जो है एल्युमिनियम के मिनरल्स है ना, सभी के सभी क्या है, एल्युमिनियम के मिनरल्स है। लेकिन ओर कौन सा है, केवल बॉक्साइड है, क्योंकि यहीं से हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बॉक्साइड Al2O3.XH2O। तो जो भी इंपॉर्टेंट ओर होंगे ना, उसका नाम और केमिकल कंपोजिशन आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये है बॉक्साइड, आप इसका फोटो देख रहे हो। ठीक है, ये बॉक्साइट है। इसके अलावा भी एल्युमिनियम के और मिनरल्स होते हैं, जैसे कायनाइट है ना, उसके बाद सिलेमेनाइट है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है और एलुमिनेट है। ठीक है, तो इसमें कोरंडम इंपॉर्टेंट है। कोरंडम आप लोग जानते होंगे, कटिंग टूल्स वगैरह में काम आता है। इसके अलावा जो एमरी पेपर होता है ना, उसमें एलुमिना के पार्टिकल्स या कोरंडम के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है Al2O3, इसलिए कटिंग टूल्स वगैरह में इसका हम उपयोग में लाते हैं। तो ये कोरंडम का फोटो है। नेक्स्ट है क्रोमियम, मतलब क्रोमियम का ओर। तो इसमें है क्रोमाइट क्रोमियम का ओर होता है, इंपॉर्टेंट ओर। यहीं से क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, FeO.Cr2O3। ये होता है क्रोमाइट, ये क्रोमाइट का फोटो है। ठीक है, इस तरह से दिखता है क्रोमाइट। नेक्स्ट कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर का ओर और मिनरल। सबसे पहले है बोरोनाइट, ठीक है, फिर चार्कोसाइट, चार्कोपाराइट, कोवेलाइट और एनर्जाइट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चार्कोपाराइट। ठीक है, चार्कोपाराइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यहीं से ही कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद कर लेना है, चार्कोपाराइट को CuFeS2। ठीक है, इसके अलावा चार्कोसाइट भी इम्पोर्टेंट है, Cu2S। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, चार्कोसाइट और चार्कोपाराइट। ठीक है, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, वो चार्कोपाराइट की फ़ोटो है। ठीक है, नेक्स्ट है लेड। तो लेड का ओर है गैलेना, सेरुसाइट और एंग्लेसाइट। तो इसमें इम्पोर्टेंट ओर है गैलेना। ठीक है, गैलेना से ही हम लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, PBS। ठीक है, गैलेना का यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये गैलेना है। नेक्स्ट है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का कौन कौन से ओर है, सेल्वेनाइट और कैलेवेराइट। ठीक है, ये दो ओर है, इसमें से सेल्वेनाइट का आप फोटो यहाँ पर देख सकते हो, है ना। जनरली क्या होता है, गोल्ड का ओर का नाम जनरली बहुत कम पूछा जाता है, बट याद रख लीजिए आप, है ना, कहीं पे अगर काम आ गया, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ भी देता है, तो आप इसको ताकि बता सको। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम की ओर और मिनरल का नाम है मॉलिब्डेनाइट, कोवेलाइट और वुल्फेनाइट। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो ओर है वो है मॉलिब्डेनाइट, MOS2। ठीक है, ये मॉलिब्डेनाइट से ही मॉलिब्डेनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो, इसका फोटो है मॉलिब्डेनाइट का ये फोटो है। नेक्स्ट है निकल। तो निकल के ओर और मिनरल का नाम है गार्नियराइट, निकोलाइट और पेंटलैंडाइट। ठीक है, ये तीनों हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट है आपका ये गार्नियराइट, है ना, गार्नियराइट। ये यहीं से ही निकल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये आप डायग्राम यहाँ पे, फोटो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है टीन। तो टीन के ओर और मिनरल का नाम है कैसेटराइट, स्टेनाइट और फ्रैंकाइट, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कैसेटराइट, कैसेटराइट से ही टीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप उसका फोटो देख सकते हो, कैसेटराइट है ये। नेक्स्ट है टाइटेनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम की ओर है इल्मेनाइट, ड्यूटाइल और सेनाइट। इसमें से ये दो जो है इम्पोर्टेंट ओर है, इल्मेनाइट FeTiO3 और रूटाइल TiO2। ठीक है, यहाँ पे आप इल्मेनाइट का फोटो देख सकते हो। ठीक है, इल्मेनाइट को आयरन का भी ओर माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए आयरन भी है।
ठीक है। तो इल्मेनाइट को टाइटेनियम का भी ओर मानते हैं और आयरन का भी ओर मानते हैं, ठीक है। तो दोनों को आप याद कर लीजिए, दोनों से ही टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट है टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन का इंपॉर्टेंट ओर मिनरल था आपका वुल्फ्रामाइट, फेरबीराइट, हबरनाइट और शिलाइट, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ओर है वुल्फ्रामाइट, वुल्फ्रामाइट से ही टंगस्टन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप फोटो देखिए, ये है वुल्फ्रामाइट, ठीक है, FeMnWO4। नेक्स्ट है जिंक, ठीक है। तो जिंक का ओरो मिनरल है स्फेलेराइट और जिंकाइट। स्फेलेराइट मतलब ZNS, ये स्फेलेराइट सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, यहीं से ही जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये आप फोटो देख सकते हो, ये है स्फेलेराइट, ठीक है। और जिंकाइट, जिंकाइट से भी कहीं कहीं पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है ZNO। तो इसको आप दोनों को याद रख लेना, स्फेलेराइट और जिंकाइट को। नेक्स्ट है वेनेडियम, ठीक है। तो वेनेडियम के लिए ओरो मिनरल है पेट्रोनाइट और सल्वेनाइट, ठीक है। तो ये पेट्रोनाइट का यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये है पेट्रोनाइट V2S5.XXS, ठीक है। यहाँ पे X क्या है, X कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मिनरल पे उसकी, उसमें सल्फर अमाउंट कितना है। नेक्स्ट है यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम के इंपॉर्टेंट ओर मिनरल क्या है, पिच ब्लेंड है, यूरेनाइट है और कैरनोटाइट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये है पिच ब्लेंड, ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट है जिरकोनियम, ठीक है। तो जिरकोनियम के दो इंपॉर्टेंट ओर है, जिरकॉन और बेडेलियाइट, ठीक है। तो जिरकॉन जो है ZrSiO4, जिरकॉन ये इंपॉर्टेंट ओर है, यहीं से ही जिरकोनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ पर फोटो देख सकते हो जिरकॉन, ओके ओके। सो थैंक यू सो मच, ये था इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स के ओर और मिनरल्स का नाम, ठीक है। तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट ओर जो बताया जहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का, वो आपको नाम याद रख लेना है और उसका केमिकल कंपोजिशन याद रख लेना है, ठीक है, ताकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको पूछा जाए तो ये आपको याद रहे। ओके थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।